हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले स्पेशल सी मिठाई अलग अलग फ्लेवरों में। जैसे आपको जो फ्लेवर पसंद है आप उसमें ये मिठाई बना सकते हैं। तो ये मिठाई बनाने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा हमने इसमें क्या टिप्स आपको दिए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे पैन में 1/2 कप दूध, उसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम हमारी फुल है तो हमें इसे चलाते ही रहना है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क मलाई, मिल्क की मलाई, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। धीरे धीरे हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच शुगर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे भी चलाते रहेंगे। दूध धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स, इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम फुल ही रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे जब तक दूध थोड़ा हमारा गाढ़ा ना हो जाए या ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। दूध अब हमारा गाढ़ा हो गया। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम बना लेंगे शुगर सिरप, जिसके लिए लेंगे हम 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी शक्कर। इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे और एक अच्छे से शुगर सिरप बना लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 इलायची, इससे थोड़ा फ्लेवर आएगा। हमारा शुगर सिरप रेडी है। अब हम इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम लेंगे 1 ब्रेड, उसे हम ग्लास से कट कर लेंगे गोल साइज में, और बीच में से आपके पास नोजल या कोई भी बटन होगा उससे हम बीच में भी कट कर लेंगे इस तरह डोनट के आकार में। अब हम इसे तल लेंगे। अभी हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स डालना बाकी है तो वीडियो लास्ट तक देखिए। तो हम इसे तल के निकाल लेंगे। इस तरह हमने इसे तल लिया है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे शुगर सिरप, थोड़ा थोड़ा सब पे शुगर सिरप डालेंगे। अब लेंगे हमने जो बनाया थे रबड़ी टाइप, उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून दूध और उसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम डालेंगे अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स वाइट चॉकलेट, इससे टेस्ट और बढ़िया हो जाएगा इसमें। तो हम इसमें 2 टेबलस्पून वाइट चॉकलेट डाल के मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे 5 कटोरी, क्योंकि हमने 5 फ्लेवर बनाए, इसे हम 5 में डिवाइड कर देंगे। तो सब में हम 1 से 1.5 चम्मच निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर, उसके लिए लेंगे हम चॉकलेट। हमने चॉकलेट को थोड़ी सी मेल्ट कर लिया और इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस तरह। अब हम लेंगे हमारा पिस्ता फ्लेवर का क्रश और इसे हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा ग्रीन कलर। मिक्स करके अच्छे से ये भी हम ब्रेड पे लगा देंगे। अब हम हमारा लेंगे तीसरा फ्लेवर,
केसर, इलायची, पिस्ता क्रश, ये भी हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। अब हम लेंगे हमारा चौथा फ्लेवर, रोज़ फ्लेवर। रोज़ फ्लेवर का क्रश हम इसमें हम डालेंगे और थोड़ा सा रेड फूड कलर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम ब्रेड पे लगा देंगे। अब हम हमारा पांचवा फ्लेवर लगाएंगे, प्लेन वाइट, रबड़ी वाइट चॉकलेट, इसे भी हम अच्छे से लगा लेंगे। अब हम सब पे डालेंगे बादाम पिस्ता कट किए हुए, सब पे थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करेंगे कटे हुए बादाम पिस्ता से, हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो या ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो देखने में कितनी यम्मी लग रही, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए इस फेस्टिवल में।